टोक्यो रानी की प्रेम कहानी के मेकर्स को लगा बड़ा झटका। रिलीज होते ही फिल्म हो गई ऑनलाइन लीक। बॉलीवुड में कई बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज हो रही है, रिलीज के साथ साथ फिल्में ऑनलाइन लीक हो जाती है, जिसके चलते मेकर्स को काफी नुकसान हो जाता है। और इस बीच ऐसा ही कुछ रॉकी रणवीर सिंह और रानी आलिया भट्ट की फिल्म के साथ भी हुआ। करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जब इस मूवी का ट्रेलर सामने आया था तभी से फिल्म का अच्छा खासा बज बना हुआ है। इस बीच फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म HD क्वालिटी में इंटरनेट पर लीक हो गई है। बता दें इस साल बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में लीक हुई है। लीक होने से कई मूवी प्रभावित हुई तो वही कुछ फिल्मों पर इसका खास असर देखने को नहीं मिला। बता दें आपको ये फिल्म फिल्मी वेब तमिल रॉकर जैसे वेबसाइट पर HD क्वालिटी में फ्री में उपलब्ध है। वेल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के स्टारकास्ट की बात करें तो इस मूवी में आलिया भट्ट, रणवीर सिंह के अलावा धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन नजर आ रहे हैं। सभी ने जबरदस्त फिल्म में एक्टिंग की है। ऐसे में लोगों का ये मानना है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है। वैसे भी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं। इससे पहले दोनों गली बॉय में नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। अब देखना ये है कि लीक होने से आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज़, मुंबई।